तो आज पुलिस ने सुल्तानपुर लूटकांड के एक और आरोपी को ढेर कर दिया है। एक और आरोपी के ढेर होने के बाद आपको बताएं 28 अगस्त को लूट हुई थी ये, उनका क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। हम इसी स्थान पर बैठे हैं जहां पर वो बदमाश आज वह एनकाउंटर में मारा गया है। इसी शॉप पे उसने डकैती डाली थी बीते 28 अगस्त को, और यही पीड़ित व्यवसायी है जिसके साथ ही हादसा हुआ था। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो इनकाउंटर मारा गया है उसके बाद इनके मन में अब क्या है, सरकार के तरफ क्या ये सोचते हैं, और अपराधियों के पीछे जो राजनीति कर रहे हैं उनके बारे में इसकी क्या मंशा है। तब पहले बताइए कि आज जो वहाँ पर इनकाउंटर हुआ है उसमें आपको क्या लगता है किस तरीके की जो है कार्रवाई पुलिस प्रशासन की और एसटीएफ की जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उससे लगता है कि अपराधियों का सफाया प्रदेश से हो जाएगा। ये एक अच्छा संदेश है प्रदेश शासन के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, हम व्यापारियों के लिए भी, जो सुरक्षा की भावना हम लोगों के पास रहती है कि सुरक्षित है कि नहीं है, उसका जो है कुछ संतुष्टि हमें मिली है। शासन की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उससे लगता है कि हमारे योगी शासन में अपराधियों का कोई स्थान नहीं है, और इसमें जातिवाद का कोई बात नहीं, हर वर्ग के अपराधी होते हैं, हर वर्ग के अपराधी हैं, इसलिए ये कहना गलत है, उचित नहीं है। मंगेश यादव की जब इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद अखिलेश यादव ने काफी ट्वीट किया था कि यादव को टारगेट किया जा रहा है, जबकि एक छत्री की भी इनकाउंटर हुआ था, किस निगाह से हम देखते हैं? हम तो यही निगाह से देखते हैं कि अपराधी कोई जात नहीं होती, चाहे जिस वर्ग का अपराधी अपराधी रहेगा।